गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब से दोनों ही पार्टी बचती नजर आई। गुजरात में एक प्रमुख भाजपा सदस्य ने यूसीसी की घोषणा को भाजपा के घोषणा पत्र के सबसे पोषित लक्ष्यों में से एक की पूर्ति बताया। हिंदुत्व की राजनीति ने यूसीसी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक और छड़ी के रूप में काम करते हुए माना। हिंदू महासभा के दिग्गज, परंपरावादी कांग्रेसी और मुस्लिम नेता गैर द्वेषी व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा के लिए एकजुट हुए, जो जाहिर तौर पर धार्मिक ग्रंथों और पहचान पर आधारित थे। धर्मनिरपेक्ष कानून या यूसीसी के विचार को हिंदू सभ्यता पर सीधे हमले के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए खतरा माना जाता था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और अंबेडकर की निराशा ने कहीं ना कहीं नेहरू को इस योजना को छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन विडंबना ये है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छूट देने वाली सरकार यूसीसी लाना चाहती है। एक नेशन वाइड यूसीसी के अधिनियम का अर्थ सभी भारतीयों के लिए कानून में बदलाव होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। पॉपुलर बिलीफ इसे मुस्लिम समस्या के रूप में प्रस्तुत करती है। ये काफी हद तक कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली लॉज की अनुपस्थिति और समुदाय के प्रमुख वर्गों के भीतर सुधार के लिए सामान्य रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा सकता है। हालत ये है, रूढ़िवादी हमेशा के लिए शरीयत की रक्षा के नाम पर पर्सनल लॉ में सुधारों को रोक देंगे और बीजेपी, आरएसएस, यूसीसी की मांग करते रहेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा लगातार राजनीतिक रुख के बावजूद वर्तमान भारत में यूसीसी कैसा दिखेगा, इसका कोई संकेत नहीं है। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि इसे एक समवेशी योजना कैसे बनाया जाए, जो सभी धर्मों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित हो और साथ ही साथ प्रथाओं की विविधता को बरकरार रखे। राजनीति से परे देखें तो हमारे देश में एक तरह का सामान्य धर्मनिरपेक्ष कानून पहले से ही मौजूद है, 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट या विशेष विवाह अधिनियम, जो यूसीसी के पहले से ही मौजूद है। सभी नागरिक, विशेष रूप से महिलाओं जैसे हाशियों पर रहने वाले वर्ग, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में व्यापक कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं। भेदभावपूर्ण प्रथाओं को मिटाने के लिए हमें लैंगिक समानता को यूसीसी बहस के केंद्र में रखना जरूरी है, वरना एक रूपता अपने आप में ही एक व्यर्थ चिंता है। नेहरू को हिंदू कोड बिलों को स्वीकार करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में कई साल लग गए। लैंगिक समानता बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसे चुनावी राजनीति या सांप्रदायिक विचारधाराओं की वेदी पर बलिदान किया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।